करना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं अनुज मिश्रा और आप देख रहे हैं SPN न्यूज। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी चकाचौंध भरे सिक्योरिटी में रहते हैं, लेकिन अब जिस समय से उनकी तबीयत में थोड़ा बिगाड़ हुआ था और तबीयत नाजुक हुई, इसके बाद में उनको एम्स में भर्ती कराया गया था। इसके बाद जब डॉक्टरों ने सीधे तौर पर कहा कि अब अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है, और इसके बाद में ये चीज़ें सामने आई कि अटल बिहारी वाजपेयी के सुरक्षा में सेंध लगती हुई नज़र आ रही है, ये एक ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा में किस तरीके से चूक हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि एम्स में उनकी सुरक्षा में सेंध लगाई गई है। अब इसके ऊपर पूरी खबर की तरफ चलते हैं। आपको बता दें कि इसके बावजूद उनकी सुरक्षा में सेंध लगने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। संस्थान के कार्डियक न्यूरो सेंटर के कार्यरत ICU तकनीशियन अपने साथी को डॉक्टर बताकर ICU तक ले जाने में सफल रहा, यानी कि कार्डियक न्यूरो सेंटर में कार्यरत ICU तकनीशियन जो है वो अपने साथी को डॉक्टर बताकर ICU तक ले जाने में सफल रहा। हालांकि दोनों को पकड़ लिया गया। बीते शनिवार को हुई इस घटना के बाद टेक्नीशियन को निलंबित कर दिया गया है। अब उस टेक्नीशियन जो ICU का टेक्नीशियन था, वो अपने साथी को एक डॉक्टर के रूप में डॉक्टर बता करके उस स्थान तक ले जाता है, हॉस्पिटल में। आखिर रीजन क्या है, या फिर अटल बिहारी वाजपेयी की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है वहाँ, और इसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं। बहुत सारे रीजन्स होते हैं जिसके पुलिस भी कहीं ना कहीं उस भावनाओं में बह जाती है, लेकिन कहते हैं कि कड़ी सुरक्षा, कोई भी आए, कोई भी जाए, कुछ भी हो, लेकिन वहाँ से पत्ता नहीं हिल सकता। ये अगर पुलिस के अंदर होता है तो फिर वहाँ की सुरक्षा में सेंध कोई भी नहीं मार सकता। अब पुलिस का ये कहना है कि सुरक्षा में सेंध के पीछे तकनीशियन के दोस्त की कोई दुर्भावना सामने नहीं आई है, इसलिए तफ्तीश के बाद उसे छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि तकनीशियन का दोस्त वाजपेयी को देखना चाहता था, इसलिए वह कार्डियक सेंटर के उस ICU में जाना चाहता था जहाँ वाजपेयी भर्ती है। जी हाँ, बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं, उनको हर कोई जानना चाहता है, उनके बारे में जानना चाहता है, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहता है कि आखिर वो आजकल क्या कर रहे हैं, भले उनकी तबीयत ख़राब है, वो दिखते कैसे हैं, ये सारी चीज़ों को लेकर के सभी जानते हैं कि बहुत ही अच्छी तरीके से कि अटल बिहारी वाजपेयी को हर कोई जानना चाहते, क्योंकि उनकी शख्सियत इस तरीके की रही है कि उन्होंने अपने दम पर बहुत कुछ हासिल किया है। शोहरत, जिन्होंने कहते हैं कि प्रधानमंत्री को पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, प्रधानमंत्री पद पर पहुंचने में बहुत समय लग जाता है, और उस पर एक ऐसी छवि राजनीति की जिसमें कभी कलंक नहीं लगा। राजनीति में अगर आप साफ सुथरे होकर के पूरा जीवन, राजनीतिक जीवन व्यतीत कर देते हैं, तो उसमें ये समझ में आता है कि आपने राजनीति को बड़े ही समतल, यानी कि बड़े ही पैरेलल उसमें रखा है, ना झुकने दिया है, ना मिटने दिया है, और ना आपने उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आने दी हैं जिसको लेकर के लोगों को ये शक हो कि ये राजनीतिक में आने का कहीं ना कहीं दूसरा मकसद है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कई लोगों को शिक्षा दी, कई लोगों को
बहुत अच्छे रास्ते पर चलाया कि किस तरीके से राजनीति करनी चाहिए, किस तरीके से हम राजनीति कर सकते हैं। उन्होंने अपने लालच के बल पर कोई भी ऐसी चीज नहीं की जिससे उनके मन में कोई लालच पैदा हो सके। अब जो टेक्नीशियन था, वो उसका जो साथी था, वो सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि उसको अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखना था, उसको कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी कितनी उम्र के हो गए हैं और कैसे लगने लगे हैं। हालांकि मनसा रहती है, हर किसी के मन में मनसा रहती है कि ऐसे यशस्वी और प्रभावशाली प्रधानमंत्री को बहुत सालों से नहीं देखा है तो अब देखने को मिल जाए। हालांकि बहुत कहते हैं कमज़ोर हो गए हैं और बोल भी नहीं पाते हैं, अपना उनके अंदर स्मरण शक्ति भी खो चुकी है, तो ऐसे में एक ऐसा शरीर है जो सिर्फ पड़ा हुआ है और सिर्फ मौत की रास्ता देख रहा है। हालांकि वो हमारे आदरणीय देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके, हम उन सबका सम्मान करते हैं। आपको बता दूं कि आईसीयू में पुलिस सूत्रों ने यह भी बताया है कि तकनीशियन की ड्यूटी उसी आईसीयू में थी, इसलिए उसके आने जाने पर रोक टोक नहीं थी। शनिवार दोपहर करीब 12 बजे वह अपने दोस्त को लेकर आईसीयू तक पहुंच गया। एनएसजी के जवानों द्वारा पूछने पर उसने अपने दोस्त का परिचय डॉक्टर के रूप में कराया है, और मतलब वहाँ सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम थे कि वहाँ कोई भी घुस नहीं सकता था। तो जब आईसीयू का टेक्नीशियन था, उसके दोस्त ने, अगर हमारा कहीं दोस्त होता है तो हम भी कहीं कह देते यार आप उस जगह पे हो, ज़रा हम भी, हमें आप ले जा सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं, तो उसी भावनाओं में वो भी बह गया होगा, उसने भी कहा होगा हाँ भाई चलो देखा आ जाना और दिखा दे। और लेकिन सुरक्षा के में किस तरीके, सुरक्षा के इतने इंतजाम है तो कैसे आप ले जा सकते हैं, तो उसने एक तरकीब सोचा होगा कि आपको डॉक्टर बता के ले जा सकते हैं। हालांकि झूठ बोला उसने, अगर झूठ नहीं बोलता तो फिर सिक्योरिटी वाले उसको जाने नहीं देते। अब आईसीयू के अंदर जाने में मास्क पहनना पड़ता है, लेकिन उसके दोस्त को मास्क पहनना नहीं आ रहा था। इस पर एनएसजी के जवानों को शक हुआ, उन्होंने कड़ाई से पूछताछ की तो हकीकत सामने आ गई। एम्स के उपनिदेशक प्रशासनिक सुभाषीष पांडा ने ना ही घटना की पुष्टि की और ना ही खंडन किया। आपको बता दें कि वाजपेयी को गत 11 जून को किडनी में परेशानी व यूरिन में संक्रमण होने के कारण एम्स में भर्ती करा गया। कितनी अजीब सी बात है कि एक टेक्नीशियन दोस्त अपने दोस्त को लेके वाजपेयी को, यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सिर्फ दिखाने के लिए ले जा रहा था और बेचारे को अपनी नौकरी तक गंवानी पड़ गई, यानी कि दोस्त के चक्कर में नौकरी के दांव पे लगा दी। एनएसजी के जवान वहाँ तैनात हैं और वो पत्ता, यानी पल भर में पत्ता भी नहीं हिल सकता उनके बिना अनुमति के। और एनएसजी जवान कुछ इस तरीके के सातिर जवान होते हैं जो हर किसी को शक की नज़र से देखते हैं, चाहे डॉक्टर हो कोई भी हो, और इसीलिए उस डॉक्टर को उसने पकड़ लिया। तो मैं आपको बता दूं, उस दोस्त ने मास्क नहीं पहन पाया तो तुरंत नज़र गई एनएसजी जवान की कि आखिरकार कोई ना कोई दल में काला है, उसने उसको दबोच लिया वहीं। और जब कड़ाई से पूछा गया तो समझ में आ गया कि ये डॉक्टर नहीं, ये इसका दोस्त है, और इसीलिए वहाँ जहाँ आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भर्ती है वहाँ नहीं ले जाया, और उससे कहीं ना कहीं जो टेक्नीशियन था उसकी नौकरी भी चली गई, उसको सस्पेंड कर दिया गया, और इस तरह कहीं ना कहीं उस दोस्त की जो है नौकरी, एक दोस्त की नौकरी ले ली। अब एम्स में बताया जा रहा है कि वाजपेयी की सुरक्षा में सेंध संबंधी जानकारी की स्थानीय पुलिस ने पुष्टि की है, और हालांकि एम्स में आधिकारिक तौर पर इस मामले में बोलने को तैयार भी नहीं है, लेकिन घटना के बाद से वाजपेयी की सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बता दें आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी डिमेंशिया, भूलने की बीमारी से जूझ रहे हैं। वे 2009 से ही व्हील चेयर पर हैं। उन्हें 27 मार्च 2015 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और उनका जन्मदिन 25 दिसंबर सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस तरीके से वाजपेयी को भर्ती करने से पहले तक एम्स में डॉक्टर उनके घर पर ही जांच के लिए आते थे।
अब एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी नियमित तौर पर उनके घर इलाज के लिए जाते थे। अब कहा जा रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बन चुकी हैं। सबसे पहले वे 1996 में 13 दिन के लिए PM बने थे, और लेकिन बहुमत साबित ना कर पाने की वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। दूसरी बार 1998 में प्रधानमंत्री बने थे, और सहयोगी पार्टियों के समर्थन वापस लेने की वजह से 13 महीने बाद 1999 में फिर आम चुनाव हुए। फिर इसके बाद में 13 अक्टूबर 1999 को वे तीसरी बार PM बने। इस बार उन्होंने 2004 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। वाजपेयी 1991, 1996, 1998, 1999 और 2004 में लोकसभा सदस्य रह चुके हैं। वे बतौर प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूर्ण करने वाले पहले और अभी तक एकमात्र गैर कांग्रेसी नेता हैं। 25 दिसंबर 1924 में जन्मे वाजपेयी ने भारत छोड़ आंदोलन के जरिए 1942 में भारतीय राजनीति में कदम रखा था। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।